हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आज के सवाल बुक के सॉल्यूशन दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज वन का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। देखिए, मैंने 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में दे दिया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आगे दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड 3 रैशनल नंबर लाइन बिटवीन 1/4 एंड 1/5, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। देखिए, आपको इसमें क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि x जो होता है वो हमेशा y से छोटा, मतलब x बड़ा होता है y बड़ा होता है x से, ठीक है। तो यहाँ पर जो x दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू आप बैठा लीजिए, आप वैल्यू लिख लीजिए। x है 1/5, y है 1/4, n जो है n, ये नया टर्म है n का मतलब होता है जितना डेसिमल में निकालना है वो होता है n, ठीक है। यहाँ इससे आपको d निकाल लेना है, d कैसे निकलेगा, वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, ठीक है। वाई माइनस करना है आपको 1/4 माइनस 1/5 बाई 3+1, ठीक है। ये एलसीएम हो जाएगा 20, तो 5 माइनस 4 बाई ये 3+1 हो जाएगा 4, ठीक है। तो 1/80, 20 × 4 = 80, ठीक है। डी आ गया 1/18। अब आपको डेसिमल निकालना है, यहाँ लिख दीजिए रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर, 3 डेसिमल निकालना है रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर, रिक्वायर्ड डेसिमल लिखिए। अब यहाँ पर 3 निकालना है, तो x प्लस 2d, जितना निकालना है x प्लस 3d, ठीक है। 3 निकालना, 3 5 निकालेगा तो x+5d तक जाएगा, ठीक है। अब चलिए x यहाँ पर एक एक करके आ जाएगा, x दिया हुआ है 1/5, तो 1/5 + 1/80, ठीक है। फिर 1/5 + 2/80, ठीक है। फिर 1/5 + 3/80। अब 80 और 5 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों, वो आएगा 80, ठीक है। तो निकाल लीजिए सीधा इससे वैल्यू 80, 16+1 हो जाएगा 16+2 by 80, और ये हो जाएगा 16+3 by 80, ठीक है। ब्रैकेट दे दीजिए, हो जाएगा 17 by 80, हो जाएगा 18 by 80, हो जाएगा 19 by 80। 3 जो दस में निकालना था वो हमने निकाल दिया, ये 3 दस में निकल गया इसके दोनों के बीच में। दोस्तों मैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया, यहाँ 3 निकालना थे, यहाँ पर 5 निकालना है, इसलिए मैं क्वेश्चन 5 नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 निकालना था, यहाँ पर 5 निकालना है, मतलब x प्लस डी, जैसे ये फॉर्मूला मैंने बताया तो ये d निकाल देना आपको, और x + d, x + 2d करके x + 5d तक चल जाएगा। मैं बताऊंगा फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, ठीक है। 6 रैशनल नंबर बताना है 3 और 4 के बीच में, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन, इससे भी आपको पहले डी निकाल लेना है, एक्स ले लेना 3 को, x = 3, y = 4 और n 6 निकालना है, n होगा 6, जितना निकालना है होता है उतना होता है n, ठीक है। d अभी से आप d निकाल देना, तो y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो y माइनस एक्स 4 - 3/6+1, ये हो जाएगा 1/7, ठीक है। d का वैल्यू निकल गया। अब रिक्वायर्ड रैशनल नंबर लिख दीजिए, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, यहाँ से लिख लीजिए नंबर्स आर, x + d, जैसे कि फॉर्मूला था x + 2d, ये एक बहुत ईजी फॉर्मूला है दोस्तों, x + 3d, x + 4d। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, एक और बता दी, मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी आऊँगा, जिसमें आपको क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।
एक्स का वैल्यू है 3, तो 3 प्लस 1 बाई 7, 3 प्लस 2 बाई 7, 3 प्लस 3 बाई 7, 3 प्लस 4 बाई 7, 3 प्लस 5 बाई 7 और सीधा 3 प्लस 6 बाई 7। ये बहुत ईजी ट्रिका, ठीक है, ये आपको हो गया। अब वैल्यू, तो वैल्यू आएगा 22 बाई, सॉरी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 7, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 1, ये हो जाएगा 21 प्लस 2 बाई 7, ये हो जाएगा 21 प्लस 3 बाई 7, ये हो जाएगा 21 प्लस 4 बाई 7, ये हो जाएगा 21 प्लस 5 बाई 7 और ये हो जाएगा 21 प्लस 6 बाई 7, ठीक है। अभी वो सॉल्व कर लीजिएगा। अभी आएगा 22 बाई 7, ये आएगा 23 बाई 7, ये 24 बाई 7, ये 25 बाई 7, ये 26 बाई 7, ये 27 बाई 7। दोस्तों ये सॉल्व हो गया, बहुत ईजी था, ठीक है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ई इंसर्ट 16 रैशनल नंबर, मतलब वही ये एक्स ले लीजिएगा, ये वाई ले लीजिएगा, बहुत ईजी है ये भी, तो ये भी बहुत ईजी है दोस्तों। इसमें भी एक्स वाई लेकर डी निकाल लेना, फिर डी से जितना 16 रैशनल नंबर, एक्स प्लस 1 एक्स में 16 डी लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।